भाईजान बोल। भाईजान, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपकी बात समझते हैं। तू कुछ नहीं समझती, बस जिद्दी है। ऐसा मत बोलिए भाईजान, आप हमारे बड़े भाई ही नहीं, हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी तो हैं। हमने सब कुछ तो आप ही से सीखा है, इसीलिए तो आपको ये बात बता रहे हैं। हम शहजादे सलीम की कोई कनीज नहीं जिसे कुछ दिनों बाद बदलने का डर हो। वो कद्र करते हैं हमारी। हम एक हद तक तुझे समझा सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में, तुम्हें जो करना है करो। वो सच में हमारी इज्जत करते हैं, उन्होंने हमारे साथ सलाह मशवरा भी किया है। सलाह मशवरा? वो हमें एक अलग दर्जा देते हैं। उन्होंने दक्कन जाने का जो फैसला बदला, वो हमसे सलाह लेकर ही बदला। तुझसे सलाह करके उन्होंने? तुझे मालूम है कि तू क्या बोल रही है? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देख निशा, मेरी बात गौर से सुन। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। हमें अब्बू और अमीसा इसके बारे में बात करनी चाहिए। नहीं भाईजान, अभी नहीं, बस थोड़ी देर और। हम पर भरोसा रखिए। सलाम शहजादे। अबुल हसन, सब खैरियत? जी हुजूर, शुक्रिया। खैरियत तो होगी ही, मुगल फौज के उभरते सितारे जो हैं। एक दो दिनों से दिखे नहीं आप, तशरीफ लाया कीजिए हमारे पास भी कभी। बेचारे कोका की तो हालत बुरी हो चुकी, कोई और उसकी जगह लेना चाहेगा? जी नहीं, शुक्रिया। सावधान। कुछ पता चला किसने खराब कर रखा है शहजादे का दिमाग? और तैयारी की जरूरत है तुम्हें? हम बहुत खुश हैं, पाशा बेगम ने तो हमें बिना बसार आने की इजाजत दे दी है, लेकिन अभी तक आपसे कोई पैगाम नहीं आया है शहजादे। तो अब हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें मीना बाजार आना भी चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। आपके हुक्म का इंतजार रहेगा हमें। हुजूर, हमारी मानी ये तो ये वाला पहनी, आप पर बहुत खूब जचेगा। ये वाला क्यों? क्योंकि जब भी आप ये रंग पहनकर जनाना से गुजरते हैं, वहां कम वक्तों का काम रुक जाता है, हमें डरा धमका के उन्हें सीधा करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सिलाई में कोई कसर नहीं रहे। जी हुजूर। शहजादे, आपने जिस जौहरी को हाजिर होने के लिए कहा था वो आ चुका है, कहें तो पेश करें। उसे फौरन जगत बेगम के पास भेज दो, वो अपने हिसाब से चुनकर जो चाहे बनवा लेंगी। क्यों शहजादा सलीम, हमने सही कहा ना? जोरी को पेश किया जाए। लीजिए हुजूर, आपकी खिदमत में पेश है। माशाल्लाह, कैसी नायाब चीज बनाई है मियां आप, बिल्कुल हमारी बेगम की तरह। कितनी खुशनसीब है वो।
ये जगत गोसैनी के लिए नहीं, अबुल हसन को पेश किया जाए। सब चले जाओ, हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बात निकल आई है तो दिल की कह देते हैं। हमें नहीं लगता ये लड़की कोई आम कनीज है जिसे शहजादा सलीम बुला देंगे। कारण, जनाने में और भी तो लड़कियां हैं जिन्हें शहजादे पसंद करते हैं। इतनी जल्दी में इतनी सीढ़ियां चढ़ना किसी आम कनीज की बस की बात नहीं। जब से शहजादे की जिंदगी में आई है वो तो जैसे सारे शौक भूल गए हैं, खोए खोए से रहते हैं बस। बेगम, हमें डर लग रहा है, या आप कुछ कीजिए या अपने मियाँ को बर्बाद होते देखिए। कहाँ हम ख्वाब सजाए बैठे हैं, आप पाशा बेगम बनोगी, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अब नौकरानियां भी पाशा बेगम बन जाएगी। हाँ, हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम नहीं मानेंगे। जगत बेगम, हमें यकीन है आपको मीना बाजार में नजारा जरूर मिलेगा। इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया अबुल हसन। शहजादे आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। हमारी बहन के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। आपकी तलवारबाजी के काफी किस्से सुने हैं हमने। आपकी बहन के साथ खिलवाड़ करके सर नहीं कलम करना है हमें। हम मजाक नहीं कर रहे शहजादे। आप फिक्र ना करें, हमारे इरादे नेक हैं, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। सलाम। जहां पनाह का एक बाल बुलंद हो, राजपुताना से खबर आई है झांपना। एक जाबाज सिपाही ने खाने खाना को राजपूतों के कातिलाना हमले से बचाया है। खाने खाना ठीक तो है ना? अल्लाह का कर्म है वो सलामत है। खाने खाना ने गुजारिश की है कि वो इस सिपाही को आपके दरबार में पेश करें। नहीं, अभी नहीं, अभी हम किसी और मसले को लेकर परेशान हैं। सिपाही को अच्छा खासा इनाम दीजिए। न जाने कब से दक्कन पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन अहमदनगर, बीजापुर, गुलकुन पूरी तरह से तैयार है, चौकन्ने हैं, फौजी नजरिए से मजबूत है। इन बादशाहों का भी कोई जवाब नहीं। चांद बीबी कोई ले लो। किस कदर हुकूमत की है अहमदनगर पर, मजाले कोई मर्द ना कर सके। और अगर हम धावा बोल दें तो बाकी दो रियासतों की फौज फौरन आ जाएगी उनकी मदद के लिए। दक्कन हासिल करना आसान नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया झांपना, मगर कश्मीर में शहजादे दानियाल ने अपनी अक्ल और हिम्मत से खुद के दम पे जीत हासिल की। इसे हम
नजरअंदाज नहीं कर सकते जहांपनाह। कश्मीर और दक्कन में जमीन आसमान का फर्क है बुलफजल। दानियाल की उम्र ही क्या है, हमें नहीं लगता है इतने बड़े फौज की जिम्मेदारी वो उठा पाएंगे, और अगर हार कर आए तो नतीजा क्या होगा ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। शहजादे दानियाल पे भरोसा रखें जहांपनाह, हमारी फौज उनकी बहुत कदर करती है और वो जरूर जीत के लौटेंगे, ये हमारा यकीन है। बेवजह इल्जाम मत लगाया करो। अरे ऐसे क्यों जा रहे हैं भाईजान, हम आपसे बात कर रहे हैं, सुनिए हमारी बात। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा दुपट्टा चुराने की? तुम क्या कह रही हो, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये क्या नया तमाशा चल रहा है यहाँ? भाईजान देखिए, ये हमेशा हमारी चीजों की जासूसी करते रहते हैं और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। हमारा दुपट्टा चुराया है हमारी अलमारी से, ये दुपट्टा जो हम मीना बाजार में पहनना चाहते हैं। मिल गया ना तुम्हारा दुपट्टा, अब क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा और कहाँ से मिला ये बताइए, इन्हें पूछिए इनसे भाईजान, क्या ये दुपट्टा हमने इनकी अलमारी से नहीं निकाला है? हमें क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे कपड़े चुराने के, झूठी कहीं की। अरे महमूद मियां तुम्हारे दुपट्टे का क्या करेंगे? शायद किसी माशूका को देने के लिए चुराया होगा या फिर खुद पहनने के लिए, क्या पता। क्या कहा, खुद पहनने के लिए? निसा हद से बढ़ महमूद बस करो, क्या हो रहा है ये सब? और महमूद मियां आपने अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? माफी मांगिए। हम नहीं मांगते माफी महमूद। अम्मी इनका दिमाग खराब हो गया है, अजीबोगरीब शौक पालते हैं, लोगों की चीजों की जासूसी करते हैं, चीजें चुराते हैं, कुछ तो समझाइए इन्हें। किसका दिमाग ठीक है यहाँ, सब अपनी मनमानी करते हैं। गुस्सा छोड़, ऐसा चल आना। क्या है ये? ले तेरी अमानत। ये क्या है? मुझे नहीं पता, खोल के देख ले। और ये और ये आखिरी बार है। आगन मोहब्बत का एक छोटा सा नजराना भेज रहे हैं। अगर आपने कबूल किया तो हम समझ जाएंगे कि हम दोनों के दिल की धड़कन एक है, और फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे दिलों को एक होने से नहीं रोक पाएगी। कल सुबह मीना बाजार में आपका इंतजार करेंगे हम, आइएगा जरूर। हम जरूर आएंगे।
क्या बात है शहजादे, मीना बाजार तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। शुक्रिया बेगम, आप जाइए और खरीदारी कीजिए। होशियार, एक घर ख्याल रखिए। जी शहजादे सलीम। हमारा कहीं जाने का मन नहीं है शहजादे, हम आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, और वैसे भी आप आजकल हमें समय देते ही कहाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं बेगम, हम अभी आए। शहजादे की आंखें भला किसे खोज रही हैं? सोचिए जरा। तुम ठीक कहते थे होशियार, पता नहीं क्या जादू किया उस लड़की ने हमारे शहजादे पर, परंतु हमने भी निर्णय लिया है, ये खेल हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। बेगम को ढूंढ रही है या उनसे छिपती फिर रही है हनीसा? अरे अरे अरे, छिपेंगी क्यों, ढूंढ ही रही होंगी ना, ताकि उनकी चमचागिरी जो कर सके। आखिर पाशा बेगम की खास कबूतरी जो ठहरी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमारे साथ घूम रही हैं। कहीं पाशा बेगम तुमसे नाराज तो नहीं है जो उन्होंने अपने साथ आने से मना कर दिया? तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे इन सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, हमारी नजर तो मोल भाव पर टिकी हुई है। अच्छा, तो तुम मोल भाव करो, हम तो चले अपने शहजादे सलीम को एक नजर देखने, काश वो भी हमें पलट कर एक बार देख लेते। ये देखिए, ये 10 रुपए का है और ये 5 रुपए का है। ये देखिए, इसकी कारीगरी बहुत उम्दा है। क्या पेश करें आपके लिए? ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हार है। क्या सोच रही हैं? बहुत जच रहा है आप पे, ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, या कुछ और देखना पसंद करेंगी? कुछ और दीजिए ना। जी हाँ, ये लीजिए। Thank you.
होशियार। जी जाकर पता करो हमारे शहजादे का। जी जगतप्रिया। होशियार, पाशा बेगम मुगल मीना बाजार में तशरीफ ला रही हैं। जगत बेगम, सुना है आप छुप छुप कर खुर्रम से मिलती हैं? इसकी क्या जरूरत थी? आप हमसे इजाजत मांग लेती, बस इतना काफी था। अवश्य चलते हैं। सुनो, ऐसा करो जरा देखो शहजादे सलीम कहाँ है। हुजूर, शहजादे सलीम की गैर मौजूदगी में किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। लगता है तुम नए आए हो या फिर तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हुजूर, हमें हुक्म दिया गया है। हम शहजादे सलीम के भाई हैं। भाई? हुजूर, हमें लगा था कि शहजादे मुराद और शहजादे दानियाल। खामोश गुस्ताख। हुजूर, माफ कीजिएगा। इस नामुराद को अभी के अभी बताओ कि हम कौन हैं। हुजूर से माफी मांगिए। माफी हुजूर, हम तो बस रखवाली कर रहे हैं। अगर ऐसी गुस्ताखी दोबारा की ना तो खुद की रखवाली के भी लायक नहीं रहोगे, समझे? Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.